So hello guys and welcome back to another episode of the SATUL content channel brought to you only by the content creators of the SATUL. So आज का ये वीडियो इस तरीके से होने वाला है कि हम लोग अपने इस पूरी फैसिलिटी में जो कि SATUL गेमिंग हाउस 2.0 है उसमें हम लोग खेलेंगे आज हाइड एंड सीक जो कि अभी 12 बज रहे हैं रात के और ये इससे अच्छा कोई टाइम हो ही नहीं सकता कि हम लोग इस वक्त ये चीज़ ट्राई आउट करें अपने इतने सारे क्रिएटर्स के साथ। हमारे साथ इस वक्त अक्षु, वाइपर, माफिया, अमन, रेबेल, मर्सी, मॉर्टल एंड केतन है और द ड्रिल इज कि यहाँ पे अभी हम लोग जो है इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि ये पूरी फैसिलिटी इज ओपन फॉर एवरीवन कि वो जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे जाके छुप सकते हैं। ड्रिल ये होगा कि मैं जाऊँगा पूरे गेमिंग हाउस के बाहर एंड आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट वेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और सबको बारी बारी ढूंढने का कोशिश करेंगे। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि अगर कोई डार्क रूम हुआ और अगर मैंने कोई रॉन्ग कॉल दिया, से फॉर एग्जाम्पल कि केतन कहीं पे छुपा हुआ, मैंने उसको कॉल आउट दिया कि आई स्पाइस मॉर्टल, तो मेरे ऊपर ये सजा होगी कि मैं फिर से दोबारा जाऊँगा बाहर एंड आई विल वेट फॉर लाइक 1 or 2 मिनट्स और फिर मैं वहाँ पे जाके उनको उनके लिए वेट करूँगा एंड आई विल गिव केतन अनदर अपॉर्चुनिटी टू हाइड इन द होल फैसिलिटी एनीवेयर जहाँ पे वो चाहेगा। सो यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे हमारे क्रिएटर्स के अंदर कितनी समझ आती है, कितनी अकल आती है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है कि वो कौन सी जगह कौन सा स्पॉट अपने लिए चूज करते हैं छुपने के लिए और वो मेरे लिए डिफिकल्ट बनाते हैं कि मैं इतनी बड़ी फैसिलिटी में उनको ढूंढ सकूं। अभी नहीं है ठीक है क्या भाई? हाँ ठीक है चलो हम जा रहे हैं नीचे। ओके सो गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और जो मेन गेट है हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हमारा जो है टाइमर चालू होगा और वहाँ पे हम लोग को 5 मिनट इंतजार करना है बाहर जाने। भागो भागो कहाँ जा रहे हैं मुर्गी? भागो गाइस भागो 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 सब चुप रहो भाई। मैं किधर जाऊँ किधर? तो अभी थोड़ा सा प्रोफेशनल तो बनना पड़ता है ना, आपको पता है गेम में। तो हम जा रहे हैं ब्लैक पहने, प्योर ब्लैक। गाइस यहाँ पे तो अगर कोई कुत्ता हमें यहीं पे आके काट लिया लौंडा लोग सारे कांड हो जाएगा, कांड लोग छुपा रह जाएगा, सोचेगा हम आ रहा है तब आ रहा है पर आ ही नहीं रहा होगा। तो गाइस अभी जो है यहाँ पे बज रहे हैं 12:32 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे 12:37 पे। अमन कर मेरे साथ, अमन सुन, आजा आजा छोड़ दे आजा, अबे लेट हो जाएगा वो आ जाएगा। कह रहा हादसा वादसा ना हो जाए भाई, कहाँ पे अपनी छत पे ही है, क्या हादसा होगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे भी हादसा होने लग गया तो फिर तो गुड गेम हो गया भाई। गाड़ी आ रहा है, उड़ना नहीं है। हमें रूम मिला है बट ये यहाँ पे बहुत सारी पार्टी चल रही है ऑलरेडी। गाइस इधर छिपने का प्लान है। मामा भाई बिग फैन मामा भाई। कोई आता ही नहीं है यार मिलने के लिए, कोविड है ना भैया? हाँ कोविड, इसलिए। क्या बने लेफ्ट लगा मेरे? गाइस ठीक है, अभी 3 मिनट एक्सटेंशन दे रहा है तुमको। गाइस मर्सी को छुपने के बीच में गाइस मर्सी को मुंह आ गया, छुपने गए 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेके। गाइस हम इधर छुप, कैसा प्लान है गाइस? अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया, चले जीतने के बाद मिलते हैं। सो गाइस अभी 12:40 हो रहा है, दिस इज आवर टाइम, चलते हैं। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सफाई। तो अरे मुझे लगा कि यहाँ पे वो पानी वाली फोम है। क्या हालत हो गई नीचे देखे, मर्सी तो फिट भी हो जाएगा। बहुत ठंड लग रहा है गाइस। गाइस ये पुजारी जी का रूम है, इसमें देखते हैं कि कोई है तो नहीं। तो हम लोग वहीं आ गया जहाँ पे थे आप पहले। यहाँ तो हम पहली बार देख रहे हैं पे बहुत यहाँ पे कुछ है क्या? कौन है यहाँ पे? नहीं है बे। गाइस मैं सोच रहा हूँ मामा के पीछे पीछे घूमूंगा। ऊपर गए। सो गाइस अभी हम पुजारी जी के रूम में आ गए, कोई बात नहीं जीतेंगे। गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं है यार, मुझे लग रहा था लोग मुझे यहाँ पे चकमा देंगे। मांबा अभी यही रूम खोज के गया गाइस और इसी पे हम आ गए, उसके पीछे पीछे पहले हम मेन गेट में छुपे, उसके बाद इधर आ गए। यहाँ
पे तो कोई भी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मैं किसी को मिस कर रहा हूँ। एकदम मुंह बांध दिया, बोर कर दिया। इतने में कौन आएगा? सन्नाटा है। क्या कोई नहीं है। अबे वे गाइस, हम लोग पोचिंकी तक आ गए। ग्राउंड फ्लोर पार्किंग जोन से फिर फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे भी आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे, अब सेकंड फ्लोर पे पोचिंकी भी आ गए। अम्मा सीसीटीवी देखे क्या? मेरे को लगा तुमको ढूंढ, ऊपर से देख रहा हूँ तब से। चलो मुर्गा मारो, यहाँ से हिलना नहीं है जब तक कि हम आए नहीं है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है? हिले तो पता चलेगा। सबसे पहले टेरेस पे चलेंगे। फ्लैशलाइट का जुगाड़ कर दिया हमने, ठीक है? हम चलते हैं। ये देखो तुम्हारे भाई यहाँ पे शैडो के पीछे छुपा हुआ है, शैडो बन के पिलर के पीछे ऐसे ऐसे खड़ा है। कोई नहीं ढूंढ सकता, लास्ट में पकड़ा जाऊंगा, जॉ डू ना इसलिए। बस ये ठंडी हवा चाहिए, सामने थोड़ा सा प्रकृति का स्पर्श चाहिए क्या? प्रकृति का स्पर्श, खुली हवा, प्रकृति का स्पर्श, खुली जगह भी है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी आंटियां हैं जो फिट नहीं आती है। रेबेल क्या कर रहा है तुम्हें? अबे साइड सीन कर रहा है। बहुत देर से आ नहीं देते, बहुत देर से आ नहीं देते यार। क्या हो गया तुम तो हवा हवा खा रहे हो? मैं ऐसे था हाँ, और तुम ऐसे आते तो मैं ऐसे होता हाँ, ऐसे 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 सोता रहता हाँ, तो लेफ्ट राइट हो गया। तुम अचानक ऐसे खड़े, ऐसे खड़े ऐसे जाओ, तुमसे वहीं मुलाकात करते। तेरे को लगता है यहाँ कोई होगा? यस यार, क्या रोमांटिक डिनर पे आए तुम लोग? हेलो वाइपर, हेलो माफिया। रोमांटिक डिनर पे आए क्या तुम लोग? रोमांटिक डिनर पे आए क्या तुम लोग? लोगों को देख लो, देख लो। हम इधर थोड़ा सा हवा ठंडी, गेमिंग हाउस के सबसे ऊपरी हिस्से में आए, देख लो एक बार। तो गाइस अभी हम लोगों को यहाँ पे टेरेस पे रेबेल, वाइपर और माफिया मिले। नमन, अमन, केतन और मर्सी आर स्टिल अननोन। और क्रिएटर जोन को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो सबसे बड़ी जगह है, सबसे लेट लगेगा उसमें वहाँ पे पूरा कवर करने में। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी, मैं और अमन, वो लिफ्ट का सहारा ले रहे हैं संभाव भाई। जगह का है कैसे दिखेगा पागल? ग्राउंड फ्लोर जाएंगे, वो ऊपर आ रहा होगा, एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ इंस्टेंट में जाएंगे ना अपन। तो ग्राउंड फ्लोर में कहाँ है उसको पता चल जाएगा फिर? तो ग्राउंड फ्लोर में कैसे पता चलेगा उसको कि लिफ्ट तो ग्राउंड फ्लोर में जाकर रुकी ना पहले? अबे तो उसको आवाज़ थोड़ी जाती है, इतना ध्यान थोड़ी नहीं जा रहा कि लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही है, इसकी आवाज़ बहुत कम है। उसको पता चले तो यहाँ पे पार नंबर्स दिखते हैं और इतना कौन ध्यान रखता है? कभी कभी यहाँ पे रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं, कोई ध्यान नहीं रखता भाई। मैं रखता हूँ, तू अलग बात है। मर्सी का रूम कोई नहीं है, बालकनी में भी कोई नहीं है। गाइस किधर है ये लोग? और अमन आज इसलिए है क्योंकि हम दोनों का दिमाग चला है। बिकॉज वी आर सुपरस्टार्स, सुपरस्टार्स ब्रो। यस, जोड़ी ओपी और आया था। और पता क्या हुआ? मतलब मैं उसी छेद के अंदर छुपा हुआ था, मतलब
मतलब छेद नहीं, मतलब वो जगह था एक जो, तो वाइपर और माफिया दोनों ऐसे ऊपर लेटे हुए थे। उससे पहले मामा जाकर उसको पकड़ा। नहीं कुछ नहीं चलता, केतन और अमन भी मिल गए एंड दे विल जॉइन अक्षु, रेबेल, वाइपर एंड माफिया। अब बचे हैं नमन और मर्सी। बाहर जाके देखते क्या हो रहा है। गाइस अभी हम लोगों को दोबारा से पार्किंग जोन जाना होगा, क्योंकि मुझे अभी भी पार्किंग जोन पे शक हो रहा है कि वहाँ पे मैं किसी को मिस आउट कर रहा हूँ। सिर्फ तुम, अब नमन रह गया है। अब नमन रह गया, बस नमन लास्ट बचा है। मैं सेकंड लास्ट। तुम लोग जैसे ही गए ना, मैं फिर चुपचाप वो रूम में चले गए। मैं इधर ये लेके ऐसे ऐसे हरामी ये भी आराम से ऐसे बैठे ये वो उस वक्त जो है मनोज भाई, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे सफाई तो? अरे मुझे लगा कि यहाँ पे वो पानी वाली फोम वोम है। ओ यहाँ ओ भाई ओए सर, नमन जब नमन छुपा हुआ था ना इधर, उसको तो पता नहीं था क्या हो रहा है। सारा ये सब बाहर आ रहा था, मैं आके साफ करके गया, फिर मैं जाके छुपा हुआ। गाइस ये देखो नमन छुपाइए और मैं जा रहा हूँ। मैंने मुटने का टाइम पीस लेके आया था, सब छुपा के जाता सबूत, ठीक है? छुपा दिया। गाइस बीन बैग के अंदर हूँ। वैसे तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है मैं पकड़ा जाऊँगा, बट लेट्स होप साला कोई आके मेरे पे ना बैठ जाए। अरे भाई बहुत गर्मी है, 10 मिनट्स हो गए मेरे ख्याल से, डूब गया मैं तो इसके अंदर। इधर ही बैठा रहे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी। भूत निकला है, भूत। ओ भाई क्या सुंदर निकला है इस स्नो में। नमन हार गया। आ गए नमन। सो गाइस आज का ये एसएटीयूएल का चैलेंज जो कि हाइड एंड सीक चैलेंज था,
वो उसमें जीता है नमन, जिसने मेरे को बीट किया। ही वाज द लास्ट वन सर्वाइविंग द चैलेंज, लेकिन मैं उसको ढूंढ नहीं पाया एंड आई हैड टू गिव अप एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जो जिस जिस जगह पे लोग छुपे थे आप लोगों ने जो देखा, मतलब जब मुझे पता चला लास्ट में, आई वाज लाइक बिल्कुल आई वाज ब्लोन अवे कि मैंने ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है ऐसी हुई, जो मर्सी और इसका था नमन का फनीएस्ट वाज केतन और क्या सबसे बेचारा वाला पार्ट जो अक्षु का था, उसको हमने सीसीटीवी से पकड़ा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज वेरी फन, बहुत मजा आया। लेकिन कुछ तो अलग होना चाहिए मॉडल और सब लोगों में से। सो जितने भी लोग हैं अपार्ट फ्रॉम नमन, वो सब लोग आगे आएंगे और एक एक बार मुर्गा बनेंगे, क्योंकि देवर आर नॉट अप टू द मार्क। सो जितने भी लोग हैं वो सब लोग आगे आएंगे। लेकिन तुम फिर भी मुर्गा बनाओ। अगली वीडियो में अगले चैलेंज के साथ, एसएटीएल के सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, एसएटीएल चैनल पर। टेक केयर गाइस, बाय।